से होंगे और आज आप तीन होस्ट देख रहे हैं यहाँ पे. वन इज सनिया हसन, द अदर इज नाजिया, एंड थर्ड इज दिस पैरट. यस, और ये पैरट के साथ बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की. असल ग्रे पैरट है और अक्सर ऐसा होता है कि जो व्हाइट पैरट है वो तो बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन इसे बहुत टाइम लगा. तो मुझे तीन दफा भी बाइट भी कर चुका है, काट चुका है. बदतमीज इंसान ग्रे पैरट. आई मीन बदतमीज इंसान, बदतमीज परिंदा. मीरा बन गए हैं, है ना. वो मीरा का एक है लाइन ऐसी के जानवर भी तो इंसान होते हैं, तो ये इस किस्म की लाइन है. वो बोलती है इंसान भी तो जानवर होते हैं, इंसान जानवर ही होता है वैसे. खैर, और आज हम एक इंटरेस्टिंग शो आपके लिए से लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम उन लोगों से बातें करेंगे जिनको मोहब्बत है जानवरों से. हमारे यहाँ कुरान मजीद में भी इस हवाले से कि जानवरों से मोहब्बत की जाए, उनके साथ शफकत का सलूक किया जाए, ये जिक्र है. लेकिन इसके बावजूद भी हम जिस तरीके से जानवरों से बिहेव करते हैं वो गलत है. अरे और ये चीज इंसानों से शो कर रहे हैं ना. वैसे मैं कह रही हूँ कि इंसानों से इतनी बदसलूकी की जाती है, तो हमें चाहिए कि हम इंसानों से तो बहुत 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 मोहब्बत करें और साथ साथ जानवरों और वो फूल बूटे दरख्तों ने सबसे प्यार करना चाहिए. जमीन पे भी अकड़ के मत चलो, क्योंकि ये क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगी. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे जानवर यहाँ पे परिंदा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे भी. लेकिन बाहर ममालिक में जानवरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, छोटे छोटे और बड़े से बड़े जानवर का. हमारे यहाँ गधे की क्या सूरत हाल है आप उस तरीके से जानते हैं, और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों से जिनको सीरियसली मोहब्बत है जानवरों से. नाजिया जरा मेरा कार्ड दे दो. अच्छा, और सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऐसा करते हैं. सबसे पहले हमारे साथ हमारे लेफ्ट पर बैठे हैं आमिर साहब. अस्सलाम वालेकुम. कलीम शेख. कलीम. अच्छा, कलीम शेख और कलीम में. अच्छा, उल्टा. आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं. दोनों पेट लवर्स हैं माशाल्लाह, और बहुत इनके आप इनके अगर आमिर की गोद में देखें तो खूबसूरत सा मोर है. और जानेंगे कि मोर की भी ब्रीड्स होती हैं या मोर सिर्फ एक ही किस्म के होते हैं. विल गेट टू नो दैट. लेकिन ये कि जानवरों से प्लीज मोहब्बत कीजिए, उनके साथ वही सलूक कीजिए जो अपने प्यारों के साथ. आवाज भी निकाल रहे हैं ना. अच्छा, ये अभी हम आपको जो है ना ऐसे तो और भी दिखाएंगे, जिसमें अभी तो हम परिंदे और हमारे हैमस्टर्स और ये सब मौजूद है. उसके अलावा इस बार हम डॉगीज से भी मुलाकात कराएंगे. कैट्स हमने बुलाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत शोर किया. इतना आए थे वो कुत्ते और बिल्लियों को देखकर ना आपस में, वो कुत्ता कितना बड़ा है. हाँ, तो हमने अभी डॉग्स यहाँ बुलाए थे, लेकिन वो परिंदों को देख के ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे कि हमने कहा भाई नहीं, उनका हम सेगमेंट अलहदा कर देंगे और बाकी परिंदों का सेगमेंट अलहदा होना चाहिए, वरना खा जाएंगे. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद आमिर से. स्टार्ट करते हैं आमिर, जिन्होंने मोर पकड़ा हुआ है. मोर अगर आप तो परेशान नहीं हो. मेरे घर में ग्रे पैरट था, उसकी भी डेथ हो गई है. तो हाँ, वो मतलब मेरे पास 10 साल से था, मेरे अब्बा के पास. हाँ. Then, died, पता नहीं किस वजह से, लेकिन सब बोलता था चोर घर पे आ जाएगा तो ये तो उसे छोड़ेगा नहीं. हाँ हाँ, है ना. लेकिन एक दफा हमारा एक दफा ही भाग गया था, लेकिन वापस आ गया था. हाँ. आके बैठ गया था अपने. अच्छा, चले हम जानते हैं. मैं ये एक चीज पूछा कलीम साहब, ये बताए की बोलता भी है. जी जी, ये बोलता है. एक चीज मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके अंदर इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी जहानत का मालिक है ये, कि इसके अंदर जो है मतलब इसके जो मेमोराइज कर सकता है 3 साल के बच्चे जितने इसकी मेमोरी पावर होती है. हाँ. जी, जितना समझ बूझ 3 साल का बच्चा करता है और जितना मेमोराइज कर सकता है वो उतना ये सब चीज इसके अंदर. अच्छा, है मेरा ग्रे पैरट ना बिल्ली की आवाज निकालता था, हर आवाज. ये टिन डब्बे बेचता है, गली में गुजरता है. असल में इसके ये थोड़ा शर्मीला है. हाँ. अगर किसी को पता इसको पता चल जाए कि ये कोई साहब आए हुए हैं और बिलखसूस इसको देखने की, वैसे बच्चों के साथ खेलना उठना इस तरह की चीज है, इसको कोई ये नोट नहीं करता. जब ये किसी को कोई इसे नोट करता है, ये फिर चुप हो जाता है. एटीट्यूड आ जाता है. हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है. अच्छा, आप हमारा कब से अलीम कब से मेरा तो बचपन गुजर गया जानवरों से मोहब्बत. अब वालिद साहब का फार्म क्या चीज पाली, मेरा वालिद साहब मतलब वालिद साहब का फार्म था. उस फार्म में ही समझ ले पूरा दिन गुजरता था. खिलौनों से कम खेला, इन्हीं सब चीजों से ज्यादा खेला. सबसे पहले क्या चीज पाली थी मेरे पास फार्म में खुद. जाती तो बहुत सारी चीजें फार्म पे ही होता था. मैं क्या क्या जानवर, कौन कौन से जानवर हैं फार्म पे? फार्म पे काकाटू की वैरायटी वगैरह थी मेरे अब्बा के फार्म पे, और ग्रे पैरट वगैरह थे. फिर उस वक्त ऑस्ट्रेलियन पाइट हुआ करते थे, बड़े मतलब नायाब होते थे. तो अब तो खैर कॉमन हो गए. तो और फिर जावा वगैरह की वैरायटी थी. मैं लेकर आया हूँ कुछ परिंदे, तो वक्त के किल्लत की वजह से जो ना केज में नहीं कर पाया. ठीक है, कोई बात नहीं. तो, ये जो है अपने अच्छा चले आपकी तरफ भी आते हैं. पहले तो
ये बताएं कि ये मोर का शौक कैसे हुआ, क्योंकि मोर पालना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे तो, मतलब इतने का शौक जो बड़ा परिंदा ये तो। असल में मेरे बाबा को शुरू से था ना उनका फॉर्म है, तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे मोर है, इसके अलावा भी मोर का जी मतलब और भी सारी चीजें है, मतलब मोर उन्हें ज्यादा पसंद है। मतलब फार्म क्यों बनाया, वैसे शौक किया क्या? शौक मतलब वहाँ पे फार्म इसलिए बनाया हुआ, वहाँ पे सारी चीजें है ना। कुछ कह रहे हैं बातें कर रहे हैं बार बार पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। दिन भर में फोन पे डील कर रहा होता हूँ लोगों से, ये पूरी बातें दोहराता है। अच्छा मेरी भतीजी का नाम है, इसका नाम क्या पहले बताएं? इसका कोई नाम नहीं है, इसको मैं क्या बस समझ ले कि हमारे घर में ये ऐसा जो ना कोई बच्चा है, ये छोटा सा। क्यों रहते हो मुझे ये बताओ तुम पहले। मेरी भतीजी का नाम वायना है। क्या है? वायना। वायना, कभी हमने उसको वानू नहीं कहा, ये खुद नाम बना दिया वानू उसने। बेटा तुझसे दोस्ती करके छोड़ूंगी, ये मेरी गारंटी है, शो में तो तुझसे दोस्ती करनी है मैंने, ठीक है? ये बताएं कि ये जो आपने वो मतलब अब्बू का पूरा फार्म है क्या? जी जी फार्म है। तो फार्म में मतलब किसी वो कारोबार है या वैसे ही? मतलब शौक जो है वो कन्वर्ट हो गया बिजनेस में। पहले शौक था, वो कन्वर्ट हो गया बिजनेस में, मतलब शौक भी साथ साथ चल रहा है, बिजनेस भी, इम्पोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों चीजें। तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा ऊपर तो करें। जी जी ये देखें आप इसको। अच्छा ये पर्क खोलता है कब? खोलता जी जी ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ये पूरे पर्क खोलता है, एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल डांस कर रहा होता है सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग। इसके पैर कहते हैं अच्छे नहीं होते क्या? पैर खूबसूरत होते। ये देखे आप पैर, इसको बस नॉर्मल है, कोई इतने बस सूरत नहीं है। कहने की बात है, ये लोग कहते हैं मुहावरा है, बस वैसे जो है ना जनरली आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये रात के वक्त रो रहा होता है, रात में अक्सर ये रोने की इसकी आवाज निकलती है। पर क्यों रोता है, कोई वजह है इसकी? कोई मतलब खुद ब खुद बस अकेला जब होता है ना तब रोने की आवाज आती है। अच्छा कोई पार्टनर है वैसे? हाँ इसकी फीमेल है, ये मेल है। हाँ ये मेल है, ये तो नहीं रोता होगा फिर? अभी तो फीमेल है, ये नहीं रोता। जब सिंगल होता है ना तो तब जाके जो वो फिर लाजमी है उसके लिए, फिर फीमेल कहता ना कि भाई अकेले साथ में। सारे आपने जानवर इस तरीके से रखे हुए कि मेल फीमेल, मतलब जी 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 सारे पेयर्स है ना, मतलब ब्रीडिंग पेयर्स है वो सारे। ब्रीडिंग पेयर्स।